है गाइस, सो हम लोग शाम को आज निकले पूजा में घूमने के लिए। सुबह के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जो पार्ट वन में डाला था तो वो देखिए मेरी फ्रेंड वहाँ पे वेट कर रही है। तो हम लोग यहाँ पे घूमने निकले। हमारे घर के पास में जो जो मंडप बिठाया गया है, जो जो पेंडल है दुर्गा पूजा का, वहाँ पे हम लोग घूमने निकले हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग चल के और मेला जैसा रहता है तो चल के घुमा करते हैं। दूर में तो हम लोग चल के तो नहीं जा सकते, तो जो पास में है पंडाल वगैरह वहाँ पे हम लोग घूमने लगे, मेरी बहन, मम्मी, आंटी। ये देखिए यहाँ पे तो आज इतना भीड़ नहीं है, इतना क्राउड नहीं है, क्योंकि सब लोग थोड़ा सीट अंदर की तरफ या मैं दूर दूर की तरफ घूमने निकले हुए हैं, बाकी सब तो चल कर ही घूम रहे हैं। तो हम लोग भी जा रहे हैं। ये देखिए मेरी दोस्त और मैं बस चल ही रहे, देख रहे लोगों को और सोच रहे हैं कि हम लोग और दूर जाए, लेकिन हम लोग नहीं जा पाएंगे उतना चल करके। ये देखिए यहाँ पे एक पंडाल है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। इस बार हमारे यहाँ पे पूजा, गुवाहाटी में पूजा जो हमारे लोकल एरिया में उतना खास हुआ नहीं है गुवाहाटी में। बाकी जो जैसे कि यहाँ पे गुवाहाटी में रहता है कि पांडू हो गया आपका, भीलकुसी हो गया, बहुत जगह पे बहुत सुंदर तरीके से बिठाया गया है। तो असम में तो सबसे सुंदर पूजा होता है सिलचर में, तो वहाँ पे तो बहुत सुंदर। और मैं यहाँ पे गुवाहाटी में रहती हूँ तो गुवाहाटी में ही घूम रही हूँ मैं, तो ये मैं और मेरी दोस्त हम लोग घूम रहे हैं। तो गाइस आप लोग भी बताएगा कि आप लोग का कैसा रहा दुर्गा पूजा। तो हम लोग तो घूमने लगे, फिर हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा और दूर चले जाए, लेकिन नहीं हो पाएगा। तो फिर हम लोग अपने पास के और एक पंडाल में चले गए थे, जहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब पूजा बिठाते, आई मीन कीर्तन वगैरह भी होता है अच्छे से पास में ही। ये देखिए हम लोग वहाँ पे एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब हम लोग जो पूजा होता है, लोग इतना घूमने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, नए कपड़े, सब कुछ नया, मतलब पूजा आती एक वाइब सा रहता है ना नवरात्रि का। नवरात्रि तो खैर इस यहाँ पे जो डांडिया वगैरह होता है कहीं कहीं जगह पे होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे उतना नवरात्रि का डांडिया जो होता है उतना खास नहीं होता है, सिर्फ पूजा में घुमाता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी जो भी वहाँ पे हो रहा था, वहाँ पे मतलब उन लोग इनवाइट करते, वहाँ पे जो औरत लोग समझा रहे थे पूजा में कैसा होता है, कैसे किस तरह से किया जाता है, वो सब एक मतलब बता बता के गाने के थ्रू उन लोग समझा रहे थे। तो यहाँ पे फिर हम लोग आए अपने स्ट्रीट फूड में। तो एक्चुअली क्या है ना, मतलब पूजा में जैसे कि बहुत क्राउड रहता है लोग, तो रेस्टोरेंट में खाना या फिर स्ट्रीट फूड में खाना एक ही बराबर हो जाता है। रेस्टोरेंट में क्या होता है ना, फटाक से आपको बना के देते थे, कोई टेस्ट ही नहीं है, क्योंकि पूजा में हर कोई खाने में ही रहता है, वहाँ पे कोई टेस्ट या फिर ना टेस्ट वो सब ढूंढते ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे वेज चाउमीन ऑर्डर करा, क्योंकि नवरात्रि का टाइम था तो हम लोग वेज खा रहे थे, तो मैंने वेज चाउमीन ऑर्डर करा। वैसे भी हमारे घर में तो चिकन ये सब चलता नहीं है, हाँ मछली चलता है सिर्फ, चिकन वो सब नहीं चलता है। तो फिर भी इस बार तो नवरात्रि में तो मछली भी नहीं चल रहा था, तो हम लोगों ने वेज ऑर्डर करा। मम्मी थी, मम्मी ने नहीं खाया, लेकिन मम्मी को चाट खाना था, तो मम्मी ने पापड़ी चाट, मम्मी के लिए मैंने पापड़ी चाट ऑर्डर किया। तो मम्मी और मतलब मेरी बहन यहाँ पर बैठी हुई है, वेट कर रही है, और मैं ये शूट कर रही थी, वो देख रही थी ये मम्मी का चाट आ गया था। तो यहाँ पर हम लोग खाए, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे, फिर हम लोग थोड़ा मैं थोड़ा निकली अपने दोस्त के साथ थोड़ा बाहर घूमने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे बस टहल रही हूँ, और यहाँ पे एक पंडाल है जो बहुत सुंदर लगा मुझे। यहाँ पे दुर्गा माँ को इतने सिंपल तरीके से सजाया गया है, तो मुझे बहुत पसंद आई ये पंडाल। और इस बार मैं ज़्यादा दूर गई नहीं हूँ, क्योंकि इस बार बहुत क्राउड था। सो गाइस ये मेरा सेकेंड ब्लॉग है, तो वीडियो अच्छे लगने से